आगे बढ़ेंगे। देश में आपदा के दौरान राहत पहुंचाने में रिलायंस इंडस्ट्री हमेशा से आगे रहती है। उत्तराखंड में बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए आरआईएल के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने 25 करोड़ रुपए का चेक सौंपा है, जिसके बाद सीएम धामी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज का धन्यवाद किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बाढ़ से प्रभावित राज्य उत्तराखंड के सीएम राहत कोष में 25 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। इस साल भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में काफी नुकसान हुआ है, जिसको देखते हुए रिलायंस के निदेशक अनंत अंबानी की ओर से यह धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में दान की गई। अनंत अंबानी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखे एक पत्र में लिखा है कि हमें उम्मीद है कि पहल उत्तराखंड के लोगों के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों को शुरू करने के राज्य सरकार के प्रयास को आगे बढ़ाएगी। रिलायंस में हम पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से राज्य में विभिन्न शिक्षा और सामाजिक विकास पहलों के माध्यम से भागीदार रहने के लिए भाग्यशाली हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से मुख्यमंत्री सीएम धामी को 25 करोड़ रुपए की धनराशि का चेक सौंपा गया। इस राशि के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अनंत अंबानी को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और व्यक्तिगत रूप से अंबानी परिवार कई सालों से उत्तराखंड के विकास के बड़े समर्थक रहे हैं। इससे पहले भी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साल 2020 में चारधाम देवस्थानम बोर्ड को 5 करोड़ रुपए दिए और कोविड लॉकडाउन के दौरान भी 5 करोड़ रुपए दिए। इसके साथ ही साल 2021 में उत्तराखंड आपदा प्रबंधन अथॉरिटी को रिलायंस फाउंडेशन की ओर से 5 करोड़ रुपए दिए गए। आपदा प्रबंधन के लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए। कोविड राहत कार्यों के लिए भी 5 करोड़ रुपए दिए गए। अगर साल 2022 की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी को 2.5 करोड़ रुपए और आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी की ओर से भी 2.5 करोड़ रुपए दिए गए थे। देश में विकास और आपदा प्रबंधन में हमेशा से आगे रहने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने उत्तराखंड के सीएम राहत कोष में एक बार फिर 25 करोड़ की राशि दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।